जय हिंद दोस्तों, ये मोटर जो आप देख रहे हैं अभी हम इसको खाली किए हुए हैं और ये मोटर लगभग कितना दिन चला है सारा कुछ बताएंगे और ये कौन सी मोटर है शायद आप लोग पहचानते होंगे तो समझ भी चुके होंगे और इसको हम कौन सा फेज में बनाएंगे तो सारा कुछ डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख लीजिए ये मोटर रखा हुआ है, इसी को आज हम वायरिंग करेंगे और साथ में इधर भी एक खाली करके रखा हुआ है, ये किर्लोस्कर का मोटर है तो इसे भी हम वाइंडिंग करेंगे। एक्चुअली था क्या जी, थोड़ा हमारे दादाजी के कार्यक्रम होने वाला था तो उसी में हम लोग व्यस्त थे इसलिए वीडियो नहीं बना सके थे। तो अभी जो दोस्तों ये मोटर देख रहे हैं, ये कौन सा मोटर है इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और इसमें क्या फॉल्ट हुआ है और ये कितना दिन चला है सारा कुछ डिटेल जानकारी हम आपको समझाएंगे। तो फिलहाल अभी जो ये मोटर देख रहे हैं इसी को हम यहाँ पे रखा हुआ है और वाइंडिंग करेंगे। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं कि इसमें हमने 10 नंबर का पीवीसी सीट लगा चुके हैं। अब मैं इसका एक्यूरेट वाइंडिंग डाटा सारा चीज़ समझा देंगे और आप लोग भी इस तरह से वाइंडिंग कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें कुल 24 सलाड हैं और दो छोटे छोटे खाने एक तरफ और दो छोटे छोटे खाने एक तरफ है और इसके स्टम्पिंग की लंबाई 4 इंच है और इसकी बाहरी किनारा की आप बात करें तो ये समथिंग 6 इंच में आता है, आप देख लीजिए। और दोस्तों मैं जब भी आप लोगों को वाइंडिंग डाटा दिया हूँ तो 100% कंपनी वाइंडिंग डाटा दिया हूँ। तो अब चलिए मैं इस मोटर की थोड़ा सा आपको कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों ये मोटर 8 साल पहले ख़रीदा गया था और ये दोस्तों डबल फेस मोटर था। आज हम भी इसको डबल फेस में वाइंडिंग करेंगे और एक लाजवाब और सुंदर वाइंडिंग डाटा के साथ हम लोग वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने के लिए दोस्तों आपको बहुत चीज़ को मिलाना होगा, अगर ये चीज़ आप मिला लीजिएगा तो आप 100% वाइंडिंग कर लीजिएगा। अब देखिए इसका तो मान के चलिए लंबाई आपको 4 इंच हो गया। अब दोस्तों इसका जो अंदर का रोटर होता है, ये जो दोस्तों रोटर है इसकी दोस्तों लंबाई भी 4 इंच है और इसकी गोलाई में अगर मापिएगा तो ये 9 इंच होगा। अगर इस तरह से कोई भी मोटर आ जाए जिसकी स्टम्पिंग की लंबाई 4 इंच हो और ये गोलाई इसकी रोटर की गोलाई 9 इंच हो तो आप लोग इसी वाइंडिंग डाटा से वाइंडिंग कीजिएगा, चाहे वह कोई भी मोटर क्यों ना हो इस टाइप में जिसमें कि आपको 24 सलाड मिले, जिसमें 24 खाना हो और बीच में 4 छोटी छोटी खाना हो, दो एक तरफ से। तो उसको इसी डाटा से आप लोग वाइंडिंग कीजिएगा। तो आज मैं इसका 100% सटीक और वाइंडिंग डाटा और जेन्युइन डाटा शेयर कर दे रहा हूं। अगर दोस्तों इस मोटर की वाइंडिंग डाटा वगैरह देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे यहां काफ़ी मोटर वाइंडिंग का वर्क होता है और दोस्तों कई चैनल वाले हमें चैलेंज भी करते हैं कि भाई ये डाटा गलत है, तो दोस्तों मैं उस पर नज़र नहीं डालता हूं क्योंकि दोस्तों मैं जो करता हूं और आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया हूं। और दोस्तों मैं तकरीबन कई व्यक्ति को फ़ोन से भी कांटेक्ट किया है तो उसको भी मैं सही जानकारी दिया हूं और एक राजकुमार नाम का व्यक्ति है जो कि बेगूसराय का रहने वाला है, उन्हें मैंने मोटर ठीक करना वीडियो कॉलिंग पर भी सिखा दिया और वह मोटर मेरे ही कहने पर पुराना मोटर ख़रीदा था और उसका भी मोटर लाजवाब चल रहा है। तो दोस्तों मैं जहाँ तक होता है कि आप लोगों को सही राय देता हूँ और दूंगा, ये दोस्तों मेरी चैनल पे आपको सदैव देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग घबराइए मत। दोस्तों अभी जो ये मोटर रखा हुआ है इसका कहानी मैं दूसरे वीडियो में बतलाऊँगा, इस मोटर को कितनी बार दूसरे मिस्त्री ने बनाया और ये कितने देर चलने के बाद फेल हुआ है, तो सारा कुछ दूसरे वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा और इसका नाम भी बताऊंगा। और दोस्तों मैं इसको 100% वाइंडिंग करूंगा और मैं चैलेंज के साथ इसको चलाऊंगा, अगर ये जल जाएगा दोस्तों तो मैं इस मोटर की कीमत दूंगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं दोस्तों मेहनत करके लड़ना जानता हूँ और मेहनत से हर एक मोटर को बनाना जानता हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।